तो चलो आज से क्लास हम लोग आईपीसी निम्न निकले से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आईपीसी निम्न निकले में ध्यान देना, आपको एक ऑर्डर फॉलो करना होता है नेमिंग का। ठीक, इस ऑर्डर में ध्यान देना, इस ऑर्डर में कुछ प्रीफिक्स होता है, यानी नाम को जो पहले आएगा। तो नाम आपके आईपीसी नॉमिनिक्लेचर में जो आप नाम लिखते हो ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होता है। पहला कंपोनेंट होता है प्रीफिक्स होता है, फिर एक होता है रूट वर्ड, एक होता है रूट वर्ड। ठीक है, इसके अलावा होता है सफिक्स। ठीक है, तो बेसिकली तीन पार्ट होता है आपके नाम का। अब ध्यान ना, जो सफिक्स होता है, सफिक्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है सफिक्स वन, और एक होता है सफिक्स टू। ठीक है, सिमिलरली आपका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो अब ध्यान ना, ज्यादा डिटेल्स में भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा आज का सब फोकस रहेगा नॉमिनल, तो ये रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेमिंग जो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, इसमें डीप में नहीं जाएंगे, इसका ये हमको पड़ेगा एंड में, जब हम नेमिंग जो लास्ट में जब खत्म करने जाएंगे उस टाइम इनका हमारे जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, हमारा आज का सब फोकस रहेगा नॉमिनिक्लेचर ऑफ अल्केन, नॉमिनिक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन फैमिली में ध्यान देंगे, तो अल्केन फैमिली में अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली मेरे को नीड है प्रीफिक्स ठीक है, रूट वर्ड एंड सफिक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे बस सफिक्स वन यूज करेंगे, सफिक्स वन। यहाँ पे अल्केन फैमिली में सिर्फ सफिक्स वन का नीड होता है, सफिक्स वन का नीड होगा, तो सफिक्स वन का ही नीड होगा यहाँ पे देखो। ठीक है, तो आपको बता दे रहा हूँ मैं, अल्केन फैमिली का जो सफिक्स वन होता है वो होता है एने, यानी अल्केन फैमिली अगर बात कर रहे हैं तो उसका जो सफिक्स वन होगा वो होगा एनी होगा, क्योंकि अल्केन फैमिली का देखो जो एनी है लास्ट में वर्ड है ना एनी, वही होता है यहाँ का सफिक्स वन, यानी एनी। ठीक है, तो अल्केन फैमिली के नेमिंग में जो सफिक्स वन होगा वो एनी होगा। अल्केन फैमिली के नेमिंग में कुछ रूट वर्ड हो सकता है, रूट वर्ड कहाँ से आता है जी, तो ध्यान देना रूट वर्ड बेसिकली ड्राइव होता है अल्केन फैमिली में, या कहीं भी किसी भी नेम का जो रूट वर्ड होता है वो ड्राइव होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, आपके मेन चेन में कितना कार्बन होगा उससे रूट वर्ड निकलता है। ठीक है, रूट वर्ड कहां से आएगा, तो आपके कार्बन इन मेन चेन से, यानी आपका जो प्रिंसिपल चेन है उसमें कितना कार्बन होगा वहां से रूट वर्ड निकलता है। तो ध्यान देना, रूट वर्ड के लिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, तो रूट अगर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन जो होगा अगर वन होगा तो उससे रूट होता है मिथ। ठीक है, बात समझ में आ गया, यहाँ पे इसको हम लोग तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग लेते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड। ठीक है, दो के लिए हम क्या लेंगे जी, दो के लिए इथ होता है, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट होगा, छह के लिए क्या होगा हेक्स होगा, सात के लिए क्या होगा हेप्ट होगा, आठ के लिए ऑक्ट होगा, नाइन के लिए नोन होगा, टेन के लिए डेक होगा। ठीक है,
10 तक तो आपको ऑलरेडी पता भी है पहले से कि रोबोट क्या होता है, ठीक है। 10 के बाद जनरली हमको इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन 10 तक ही रहता है, तो 10 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बट इसका आपको ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। तो 10 तक आपको पता होना चाहिए कि 10 तक मेरे को रूट वर्ड क्या लेना है, यानी 10 कार्बन तक का रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हल्का सा जान लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि 11 में रूट वर्ड क्या होता है, अंडेक होता है। 12 के लिए क्या होता है, डोडेक होता है। 13 के लिए क्या होगा, ट्राइडेक। 14 के लिए टेट्राडेक। 15 के लिए पेंटाडेक। 20 के लिए आइकोस बोलते हैं। 30 के लिए ट्राइकोंट बोलता है, ठीक है। 40 के लिए टेट्राकोंट बोलता है। 50 को बोलते हैं पेंटाकोंट बोलते हैं। तो कुछ वर्ड्स है जो वो कुछ पॉइंट्स है ऐसे ध्यान देना, बट क्या ये अपली इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं रहेगा। अपली इम्पोर्टेंट क्या है, अपली इम्पोर्टेंट रहेगा 10 तक का, तो 10 तक का रूल वर्ड आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ हम मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद का है तो आपको याद करना, तो आप यहाँ तक याद कर सकते हो, ठीक है। 13-14 तक का इतना चलेगा, ठीक है। अब जानेंगे तो रूट वर्ड कैसे निकल, समझना है कि आपको। अब आता है प्रीफिक्स पे, तो ध्यान देना। जो प्रीफिक्स होता है यानी अल्केन, हम अल्केन का जब नेम लेते हैं तो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स में लेते हैं ब्रांच का, नेम ऑफ ब्रांच, यानी आपके अल्केन चेन में अगर ब्रांचिंग होगा तो ब्रांच का जो नाम होता है उसको हम लिखते हैं प्रीफिक्स में, उसको लिखते हैं प्रीफिक्स में, ठीक है। तो अल्केन का जो ब्रांचिंग होगा तो ब्रांचिंग का नाम होगा प्रीफिक्स में, तो ध्यान सुनना। तो हाउ टू नेम ब्रांच, ध्यान सुनना। जैसे मान ले कि ब्रांच क्या हो सकता है, तो ब्रांच हो सकता है एक कार्बन का ब्रांच होगा। जैसे मान ले कि CH3 है, इसको बोलते हैं एक कार्बन का ब्रांच है, यानी ये कहीं से लिंक होगा। जैसे मान ले कि आपके पास अगर ऐसा फिगर होगा, CH3 है, CH2 है, CH है, CH2 है, CH3 है, तो यहाँ पे इस फिगर में अगर एक नीचे की तरफ हम CH3 दिखा दे तो CH3 को ये आपका मेन चेन हो गया, और इस मेन चेन से एक ब्रांच बाहर निकल, एक ब्रांच बाहर के साइड निकला हुआ है, एक ब्रांच बाहर के साइड निकला हुआ है। जो CH3 ब्रांच है, ऐसा कुछ नाम हो सकता है इसको बोला गया है, क्योंकि इसमें तो ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं, तो ब्रांच के लिए ध्यान देना रूट वर्ड इसको ऐसे ले देते हैं, रूट वर्ड यानी रूट वर्ड कहाँ से आएगा, तो ब्रांच में कितना कार्बन उससे आ जाएगा, उसमें हम YL जोड़ देंगे, रूट वर्ड के साथ जोड़ देंगे YL। तो यहाँ पे एक वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, हाउ टू नेम ब्रांच, तो यहाँ पे होगा सिंपल ब्रांच। तो अगर वो सिंपल ब्रांच होगा उसका नाम कैसे लिखना है ये आपको समझना है, तो मैं वो समझा रहा हूँ आपको। तो सिंपली क्या करना है, सिंपल ब्रांच का नाम लिखने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको रूट वर्ड लिखना है और उसमें YL जोड़ देना है, उसमें Y उसमें आपको ऐड करना है, YL को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ब्रांच है और उसको हम उसका हम नाम लिखना चाहते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का ब्रांच है तो क्या होगा, रूट वर्ड मिथ हो जाएगा, METH मिथ, इसमें YL जोड़ देंगे, इसमें YL जोड़ देंगे, तो मिथाइल। अगर दो कार्बन का ब्रांच होगा इसका रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड होगा इथ, इसमें वाई जोड़ देंगे हम, ठीक है। अगर 3 कार्बन का ब्रांच होगा तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है जी, 3 कार्बन का रूट होता है प्रोप, इसमें वाई जोड़ देते हो जाएगा प्रोपाइल, क्या जाएगा प्रोपाइल। सिमिलरली अगर 4 कार्बन का हम लेंगे, और हम 4 कार्बन का लेते हैं चेन, इसका रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट, ब्यूटेल हो जाएगा, ठीक है। 5 कार्बन का अगर हम लेंगे तो सिमिलरली आप सोच सकते हो, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट होता है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें YL जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सिंपल ब्रांच का नाम लिखना समझ में आएगा आपको, बस समझ में आया।
ये सिंपल सा ब्रांच का नाम हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्रांच अगर ऐसा हो, तो इसके लिए कुछ वर्ड हम सीखे हैं लास्ट क्लास में, कॉमन नेम कॉमन सम कॉम्प्लेक्स ब्रांच। हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना। तो अगर ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग होगा, ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो ब्रांच ब्रांच विद इन ब्रांच, ठीक है। ब्रांचिंग यहाँ पे बटर वर्ड यूज करोगे, ब्रांचिंग ब्रांचिंग विद इन ब्रांच अगर ऐसा होता है, यानी यहाँ पे एक ब्रांच में फर्दर ब्रांचिंग हो, तो उसको बोलते हैं लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच होने के लिए कम से कम तीन कार्ब होना चाहिए, एटलीस्ट थ्री कार्बन, यानी अल्केन फैमिली का ब्रांच कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें कम से कम तीन कार्बन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये ब्रांच हुआ, ये तो सिंपल, इसके लिए इसका नेम तो हम लोग सीख चुके हैं क्या होता है जी। इसका नेम सिंपली है, ये होता है प्रोपाइल, इसको प्रोपाइल बोलते हैं। कभी कभी इसके आगे, कभी कभी इसके आगे आपका एन लगा रहेगा, एन एन प्रोपाइल लिखा रहेगा। इस एन का मतलब होता है ना, एन का मतलब नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, यानी सिंपल जो होता है स्ट्रेट चेन जो ब्रांच होता है उसके आगे एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। ये ध्यान देना। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, अगर इस देखो यहाँ पे यहाँ से लिंक है ब्रांच, और ब्रांच के अंदर ब्रांच हम कर दीजिए, यहाँ जो एक्स्ट्रा है ब्रांच के अंदर ब्रांच हो गया। तो इस तीन कार्बन अगर ऐसा लिंकेज होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइसो, आइसो प्रोपाइल, यानी कॉमन नेम है, एक ब्रांच का कॉमन नेम है। तो जो भी हम बता रहे हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का कॉमन नेम होता है, ठीक है। ये ध्यान देना। तो ये आपका तीन कार्बन में दो पॉसिबिलिटी था, एक था नॉर्मल एक था कॉम्प्लेक्स का, आइसो प्रोपाइल हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान देना, अगर हम चार कार्बन लेते हैं तो चार कार्बन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, चार कार्बन जो पॉसिबिलिटी होगा इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटाइल बोलते हैं, या बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल, ठीक है। अब चार कार्बन में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो लिंकेज यहां से हो जाए, आपका लिंकेज यहां से हो, इसको चूंकि सेकेंडरी कार्बन से लिंक है, कार्बन जो सेकेंडरी है तो यहाँ से लिंकेज होगा, तो इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बता चुके हैं, बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको बोल सकते हैं SCK, सेक ब्यूटाइल। और यहाँ से सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेक का फुल फॉर्म होगा सेकेंडरी, ठीक है, इसको हम सेक ब्यूटाइल बोल सकते हैं। सिमिलरली हम चार कार्बन में ऐसा भी सोच सकते हैं लिंकेज यहां से हो, ठीक है। जहां से लिंकेज है, जहां से ब्रांच जिससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन क्या है, एक थ्री कार्बन है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग टर्ट ब्यूटाइल। जो टर्ट होता है, टर्ट किसका, टर्ट का फुल फॉर्म होता है टर्सरी, टर्सरी कार्बन के लिए टर्ट टर्ट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। इसको बोला गया टर्सरी ड्यूटेल बोला गया है, इसको टर्सरी ड्यूटेल बोला गया है। तो कुछ कॉमन नेमों को पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर मेरे पास पांच कार्बन रहेगा, तो पांच कार्बन में अगर पांचों कार्बन का स्ट्रेट चेन रहेगा, तो ये तो नॉर्मल चीज हो गया, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एन पेंटाइल, या तो इसको लिए वर्ड यूज करेंगे पेंटाइल यूज करेंगे,
पेंटाइल बोल सकते हो उसको आप, या कभी कभी इसके आगे लिखा रहेगा नॉर्मल पेंटाइल, ठीक है ध्यान है ना। कभी कभी ऐसा अगर दिखे आपको, लिंकेज यहां से है, लिंकेज इस पॉइंट से है। किस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप, इसको बोला गया है आइसो ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, एक होगा आइसो पेंटाइल, एक जगह आइसो पेंटाइल, ठीक है। तो चलो ये होगा पेंटाइल में इतना ये पॉसिबिलिटी रहेगा जिसका आपको कॉमनली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जाना ना चार कार्बन में एक और पॉसिबिलिटी जिसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो ध्यान सुनना, चार कार्बन में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है आपके पास, आप लिंकेज को यहां से कर दो, आप लिंकेज को यहां से कर दो, और ये जो है इसको बोलता हम लोग, ये होता है आइसो ग्रुप, इसको बोलता हम लोग आइसो ग्रुप। ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। ये सब कुछ कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए, जो कॉमनली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है चलो, अब जाना बचलो, आइसो वर्ड का मतलब सुनना गया। आइसो वर्ड का मतलब होता है कि आपका सारा सारा स्टेट चेंज रहेगा, जब भी आइसो वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में एक इन पॉइंट ऐसा होना चाहिए, बाकी जो होगा यहाँ पे लाइन चलते चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान ले कि अगर आइसो हेक्सेन कैसा होगा, तो यहाँ पे एक ग्रुप बना देते हैं पहले इस तरीके से, फिर CH2, ठीक है CH3, ये हो जाएगा आपका आइसो हेक्सेन हो जाएगा। और इसमें अगर मान लेते हैं कि आप यहां से लिंक करते हो, यानी इन पॉइंट्स अगर आप लिंकेज करते हो, इसको बोलते हैं हम लोग आइसो एक्सेल बोल देंगे, इसको हम लोग आइसो एक्सेल बोल देंगे। यहाँ से लिंकेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रांच का नाम हो जाएगा आइसो एक्सेल। लेकिन ध्यान देना आप लोग क्या है, आइसो वर्ड का मतलब समझना है, लेकिन कभी कभी आप हो सकते हो एक आप फिगर आप याद रखोगे, एक होता है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन में फिगर थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको आइसो ऑक्टेन में फिगर आपको याद रखना है, फिगर ऐसा होता है, ठीक है। तो वो आपका आइसोटेन का फिगर, इसको आपको याद रखना है, एक ये रूल से थोड़ा डिवेट करता है, तो कभी कभी एक पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली आइसोटेन जो फिगर है, हम जो पेट्रोल यूज करते हैं ना, पेट्रोलियम जो फ्यूल होता है ना, पेट्रोलियम फ्यूल जो होता है, इस फ्यूल का रेटिंग के लिए एक नंबर हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। यानी फ्यूल अच्छा है कि फ्यूल खराब है, तो एक रेटिंग होता है, इसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। पेट्रोलियम फ्यूल के लिए एक ऑक्टेन नंबर डिफाइन किया गया है, और आइसोटेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो होता है 100, ठीक है। इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है उसको 100 बोला गया है, ठीक है। मतलब फ्रेम डिसाइड किया गया, इसको 100 बोला गया है। कुछ का फ्यूल का रेटिंग उससे ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मान ले जो हम लोग एविएशन फ्यूल में नहीं, जो एरोप्लेन्स में जो फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर अराउंड 140 के आसपास होता है, ठीक है। एविएशन फ्यूल जो ऑक्टेन नंबर होता है, जितना फ्यूल अच्छा होगा उसका ऑक्टेन नंबर उतना हाई होता है। नियर अबाउट होता है 140 के अराउंड होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप इसको रेफर कर सकते हो। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले हमारे सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, बट अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, बट आने के चांस बहुत रेयर है। ठीक, ऑक्टेन नंबर आइसोप्रीन का जब बात हुआ तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ होता था। तो जिसका ऑक्टेन नंबर अच्छा, तो अपोजिट हो, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, पेट्रोलियम फ्यूल इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा उसका एफिशिएंसी क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, अभी तो हम लोग कॉमन नाम ब्रांची का सीख चुके हैं। ठीक है, ये सब वो समझ में आ चुका है। पता ना, हम लोग मूव करते हैं कि अल्किन का नाम कैसे लिखेंगे, यानी जब भी दिया रहेगा तो अल्किन का नाम कैसे लिखेंगे। तो हाउ टू नेम, हाउ टू नेम अल्किन। जब हम अल्केन का नाम लिखते हैं ना, तो हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना आता है। ऐसा कुछ रूल्स होता है, ठीक है? तो रूल्स को हम देखते हैं कि रूल्स क्या क्या अपने पास है। ध्यान देंगे, जो फर्स्ट रूल होता है ना वो क्या होता है, ध्यान सुनना। जब भी आपको अल्केन दिया रहेगा, जब भी आपको अल्केन दिया रहेगा, तो फर्स्ट रूल होता है कि अल्केन में आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन को काउंट करना है। ठीक है, जैसे मान ले आपको काउंटिंग आना चाहिए, तो सबसे पहला रूल होता है कि आपको अपने अल्केन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को काउंट को मार्क करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको चूज करना है, ये आपका फर्स्ट रूल हुआ। रूल नंबर वन होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो अल्किन आपको दिख रहा है, इस अल्किन में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये 8 कार्बन का चेन ऐसे दिख रहा है आपको, और उसमें एक ब्रांचिंग नीचे ब्रांच है। ठीक है, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है। इस फिगर को देखते हैं, अगले फिगर को देखोगे, यहाँ देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर स्ट्रेट लाइन चले जाओगे आपके पास 7 टोटल आपको दिखेगा कार्बन एक चेन में। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कार्बन का जो हम चेन ड्रॉ करते हैं, वहां हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर हम ऐसे सोचेंगे, अगर हम इस पार्ट को लेते हैं, अगर ऐसे लेते हैं, तो देखो इसमें कितना कार्बन कार्बन आ रहा है इस चेन में। इस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 कार्बन आएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, जब भी कोई फिगर देगा तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है, उसको फिर मार्क कर लेना अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे 8 कार्बन चेन नीचे की तरफ दिखा, तो इसमें हम जो मेन चेन होगा, मेन लॉन्गेस्ट चेन होगा, नीचे की साइड चला जाएगा। सिमिलरली इस फिगर में जो नीचे ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कितना आपको कार्बन दिख रहा है जी, यानी कितना चेन पॉसिबल है। तो देखो एक चेन ऐसा पॉसिबल है स्ट्रेट, ठीक है, एक चेन स्ट्रेट पॉसिबल है, तो इसमें कितना कार्बन होगा जी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन होगा स्ट्रेट पे, जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दिया हूँ, स्ट्रेट चेन होगा उसमें 7 कार्बन होगा। अगर मान लेते हैं एक चेन ऐसा होगा जिसको मैं पिंक कलर से मार्क करूँ, जिसको मैं पिंक कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, ऐसा होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पिंक वाले में आपका 8 कार्बन है। इसमें और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम अगर ऐसा चूज कर ले, ठीक है, नीचे से लेके जाएं, इसको मैं दिखा रहा हूँ अलग कलर से, इसको मैं दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से, नीचे से लेके जाके ऐसे लेके चले जाओ, इसमें कितना कार्बन होगा जी, इसमें काउंट करता हूँ लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ब्लू वाले में क्या होगा, 8 कार्बन होगा। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके सिस्टम में कितना चेन है वो काउंट करना आना चाहिए। ठीक है, और वो उन चेन में से जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा उसको आपको चूज करना है, उसको आपको लॉन्गेस्ट को चूज करना है। यानी पहला रूल बहुत क्लियर है कि जितना भी चेन पॉसिबल है आपके सिस्टम से काउंट करना है, और उसमें से जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको अलग से हटाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तो आपका पहला रूल।
जैसे बात करते हैं, आप देखोगे इस फिगर में एक चिन्ह ऐसा पॉसिबल है, एक चिन्ह आपका ऐसा पॉसिबल है, नीचे के साइड में ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, एक चिन्ह आपका ऐसा पॉसिबल है, एक ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे जाएगा ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक और चिन्ह ऐसा हो सकता है नीचे के साइड में, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक और चिन्ह पॉसिबल है, उसमें दिखा रहा हूँ पिंक कलर, पिंक कलर तो हो चुका ऑलरेडी, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पर्पल कलर से, आपका ऐसा हो सकता है, ऐसा एक चिन्ह ऐसा हो सकता है आपका, इसमें इतना सारे चेंज है, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा दिख रहा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट दिख रहा है जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है वो दिख रहा है, वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा इस केस में। तो मेरे को फोकस करना है जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा उसमें फोकस करना है, ठीक है। तो अब क्या है, लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है उसमें उसका जो नंबर ऑफ कार्बन होगा, तो पहला काम क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन होगा उससे हम लोग रूट वर्ड डिसाइड करते हैं, ये हमको देगा रूट वर्ड, मेरे नाम का जो रूट वर्ड है वो यहां से मिलने वाला है। लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन होगा उससे हम लोग को रूट वर्ड मिलेगा, उससे हम लोग को रूट वर्ड मिलेगा, ठीक है। जानेंगे अब आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो चीज इंक्लूड नहीं होगा उसको हम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको बोलते हैं पैरेंट चेन, उसको बोलेंगे पैरेंट चेन, ठीक है। और जो भी कार्बन उसमें इंक्लूड नहीं होगा उसको बोला जाता है ब्रांच, उसको बोला गया है ब्रांच, ठीक है। जैसे मान ले इस सिस्टम का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोग को दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज किया गया है। अब जो भी इसका पार्ट नहीं है, जैसे मान ले ये वाले इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, तो इसका ए हो जाएगा ब्रांच, ए हो जाएगा ब्रांच, ए हो जाएगा ब्रांच। इसको ब्रांच बोल सकते हो या बोल सकते हो साइड चेन बोल सकते हो, या तो इसको बोलते हैं लोग सब्सिट्यूएंस, इसको बोला गया है सब्सिट्यूएंस। तो अगर इस यहाँ पर देखेंगे तो ब्रांच में कौन कौन सा जी है, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, इसको मिथाइल बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल, क्या बोलेंगे इथाइल। तो ब्रांच का नाम आपको सिंपल ब्रांच का नाम तो मैं बता चुका हूँ कैसे लिखना होता है, ठीक है। ये रहा आपका रूल नंबर वन। अगला नंबर होता है रूल नंबर टू, क्या होता है कि आपको ब्रांच को जो भी आप लॉन्गेस्ट चेन चूज किया हो ना उसको नंबरिंग करना होता है, ठीक है, उसको आपको नंबरिंग करना होता है, ठीक है। बट नंबरिंग के पहले ध्यान सुनना, अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके पास सेम लेंथ का दो चेन या दो से ज्यादा चेन होगा तब क्या करेंगे। बोला गया है इफ टू चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, यानी दो या दो से ज्यादा चेन अगर सेम लेंथ का होगा तब क्या करोगे, उस तब किसको अपना मेन चेन चूज करोगे। तो बोला गया है कि जिस चेन में ज्यादा ब्रांचिंग होगा, ज्यादा ब्रांच होगा, उसको तुम अपना मेन चेन मानोगे। कब, जब आपके पास मोर देन वन चेन हो सेम लेंथ का, मोर देन वन चेन हो सेम लेंथ का। फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना, जैसे ध्यान देना इस फिगर में, ये जो फिगर यहाँ दिया हुआ है, इस फिगर में दो चेन पॉसिबल है, ठीक है, इस फिगर में दो चेन पॉसिबल है, दोनों का लेंथ सेम होगा। जैसे मान ले तुम ऐसा इसको अपना जो मेन चेन अगर तुम चूज करते हो इसको, तो इसमें ध्यान देना इसमें कितना कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा, और ब्रांच कितना है, तो ब्रांच जो होगा जो बचा हो उसका ब्रांच हो जाएगा। तो जो चेन का पार्ट नहीं है ब्रांच हो जाएगा, यानी ब्रांच कौन होगा, ब्रांच ए वाला होगा, और ब्रांच ए वाला होगा, ठीक है, ब्रांच ए होगा और ब्रांच ए होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक। सिमिलरली ध्यान देना, अगर इसी में एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम चेन ऐसा चूज कर ले ना, इसमें इसमें
छह कार्बन है और इसमें एक ब्रांच है, क्या है? इसमें आपका एक ही ब्रांच है। देखो यहाँ पे जो कनेक्शन और ब्रांच बताता है, इसमें ब्रांच तो एक ही है लेकिन ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग है, तो उससे मतलब नहीं है। ब्रांच का नंबर इसमें कितना? एक होगा, इसमें वन ब्रांच होगा और इसमें दो ब्रांच है, तो वन ब्रांच होगा एंड टू ब्रांच होगा, वन ब्रांच एंड यहाँ पे टू ब्रांच होगा, ठीक है? तो पॉइंट बोला कि किसको हम किस किसको अपना मेन हम चेन माने, अगर दोनों में छह छह कार्बन है यानी ब्रांच मिले दोनों में सेम है, तो बोला क्या गया है कि जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगा उसको तुम अपना मेन चेन मानोगे, तो हम इसको अपना मेन चेन मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है? जैसे मान लिया कि नीचे वाला एक फिगर, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखोगे इसमें हम जो चेन चूज करेंगे तो गौर करना, एक चेन ऐसा होगा, इसमें देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कार्बन है चेन में, कितना ब्रांच है? तीन ब्रांच है इसमें, और इसी में अगर हम ऐसा ब्रांचिंग अपना चूज कर ले, सॉरी इसमें अगर मेन चेन ऐसा चूज किया जाएगा तो इसमें तीन ब्रांच है, और इसी में अगर हम अपना मेन चेन ऐसा चूज कर ले हम, तो ब्रांच का नंबर देखो इसमें कितना कार्बन है, इसमें भी आपको दिखेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितना? सेवन है, तो यहाँ भी आपका मेन चेन में कार्बन कितना? सेवन आ रहा है, तो दोनों जगह क्या है? कार्बन का नंबर सेम है दोनों में मेन चेन में, बट इसमें ब्रांच कितना आ रहा है? ब्रांच इसमें एक दो तीन चार, इसमें फोर ब्रांच आ रहा है, तो कौन सा चेन आपके लिए मेन चेन होगा? तो ये आपके लिए मेन चेन होगा, ये नहीं होगा, इसको नहीं करना है, तो मेन चेन किसको चूज करना आपको समझ आ चुका है, ठीक है? आज से क्लास में चलो यहीं पे एंड करेगा, नेक्स्ट क्लास में लोग फर्दर रूल सीखेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है?